आज सारा दिन से बहुत जैसे फेक न्यूज़ चल रही है कि हमने जो है अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया है या हम पीछे हट गए हैं, तो ये सब बहुत फेक है, क्योंकि जो ये अफवाहें उड़ रही हैं ये हमारे प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए जो है ये फेक न्यूज़ बनाई जा रही हैं। तो लाइव आने का मकसद सिर्फ यही है कि हम सब आपको बताना चाहते हैं, जो आप हमेशा हमारी सपोर्ट में खड़े रहे हो, कि हमारा जो ये आंदोलन है सत्याग्रह है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम इसको लड़ते रहेंगे। तो किसी भी फेक न्यूज़ पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है सच्चाई की है और हमें इसको लड़ना है, और जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम लड़ते रहेंगे। नमस्कार भाई सभी को, बस इसी बारे में आज लाइव आए हैं कि जो भी मीडिया चला रही है, कुछ मीडिया उसे चला रहे हैं इतने दिन से, किस तरह की नेगेटिव बातें हैं जो फैला रहे हैं, ताकि क्योंकि देख लिया सभी ने कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। तो बस इसीलिए आप सबको हम ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि ये सब हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। दो तीन बातें हैं जो हम क्लियर करना चाहते हैं यहाँ से। एक तो पूरे दिन न्यूज़ चली थी कि भाई पोस्को की लड़की ने जो अपना शिकायत वापस ले ली। भाई कानून के हिसाब से भी अगर आप लोग देखो तो 164 के बयान होने के बाद ऐसे नहीं होता है। तो मीडिया से भी अनुरोध है कि आप ऐसे लोगों को भटकाने के लिए, लोगों को हमसे तोड़ने के लिए ये सब ना करें। दूसरा आज चली के भाई इन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। भाई हम इतने दिनों से यही जो है चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ है, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ है, और रेसलिंग को जो है साफ करने की लड़ाई है। और नौकरी रही नौकरी की बात, तो आज इन्होंने सब ने ट्वीट भी कर दिया कि भाई न्याय की लड़ाई में अगर नौकरी बाद आएगी तो भाई उसको भी हम छोड़ देंगे, लेकिन नौकरी तो सरकार की है और हमारी लड़ाई सरकार से है नहीं, हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। दूसरा जो भाई रूपरेखा आगे कैसे बनानी है उसका, उसके लिए जो है हम लगे हुए हैं, और उसके बीच में अगर भाई सरकारी काम भी नहीं रुके, इस बारे में भी हम सोच लिया अगर कुछ सेकंड के लिए, तो उसको इतने नेगेटिव तरीके से दिखाने की क्या ज़रूरत है, सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा भाई जब वो मेडल वाला जब हुआ था उसमें भाई जब हम गए गंगा के किनारे, तो कुछ न्यूज़ एंकर्स ने कहा कि जो है पैसे वापस करने चाहिए थे, नौकरी वापस करनी चाहिए थी। भाई नौकरी वापस अगर न्याय के रास्ते में आ रही है तो सब ने बोल दिया, बजरंग मिनेश ने बोल दिया, साक्षी ने बोल दिया, हम सब ने बोल दिया। दूसरा भाई न्यूज़ एंकर्स हमारी नौकरी को बता रहे थे कि ये 60-60 हज़ार रुपये सैलरी लेते हैं, 70 हज़ार सैलरी लेते हैं, वो छोड़ देनी चाहिए, कोई नहीं छोड़ देंगे भाई। दूसरा मैं उन न्यूज़ एंकर से ये पूछना चाहूँगा कि आप इस तरह की खबर चलाने के लिए, फेक जो बिल्कुल फेक न्यूज़ है वो चलाने के लिए, और हमारी नौकरी जो है गिनवाने के लिए आप 2.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक का सालाना पैकेज लेते हो। अरे आप सच दिखाने के लिए उस पैकेज को ही छोड़ दो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। झूठ दिखाने के लिए आपको इतना पैकेज जो है मिल रहा है, और हम जब सत्य के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हमारे आपको 60,000-70,000 सैलरी से प्रॉब्लम है। तो इस देश की जनता से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप प्लीज़ देखिए कि किस तरीके से हमारे को बदनाम करने की, हमारे को आपस में तोड़ने की, हमारे समर्थकों से हमारे को अलग करने की जो ये चीज़ें चल रही हैं, आप इन चीज़ों पर विश्वास मत करिए। एकता ही हमारे को इस लड़ाई में जिताएगी, हम सब एक रहेंगे, एक साथ इस आंदोलन को आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि सब कुछ हमारा दांव पर लग चुका है, नौकरी की तो बात ही क्या है।
और जो हमारे समर्थक हैं, अभी आंदोलन चले कितना महीने हो गए हैं, तो हमारे समर्थक जो भी हैं उनसे सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि समर्थन बनाए रखो, फेक न्यूज़ पर ध्यान मत दो। मुझे पता है कि फेक न्यूज़ चलने के बाद कईयों के मन में भी आती है कि ये लड़ाई बीच में छोड़ रहे हैं या हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बीच में अपनी नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम ये लड़ाई लड़ेंगे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो बस यही है जो हमारा समर्थक हैं पूरे भारत देश से, जो हमें समर्थन मिल रहा है, समर्थन ऐसे ही बनाए रखो और हम ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। और आंदोलन हमारा जारी है, सत्याग्रह हमारा जारी है। बस जो ये होल्ड आया है ये इसीलिए है कि थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं बीच में, बहुत सारी चीज़ों से हमें गुजरना पड़ रहा है। आज पूरा दिन मेंटली इतना हम डिस्टर्ब रहे हैं कि कैसी फेक न्यूज़ चलाई हैं, उनको सफाई देते देते हमारा पूरा दिन निकल गया आज कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो मीडिया कर्मी प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर सच्चाई नहीं दिखा सकते तो फेक न्यूज़ भी ना चलाएं, इससे हमारी जो समर्थक हैं वो गुमराह होते हैं और हम भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत मानसिक रूप से हम टूट जाते हैं। तो हमारी इस लड़ाई में अगर साथ नहीं दे सकते तो बुरा भी मत दिखाइए। बस इसीलिए आज आप सबसे जो है बात करने हम लोग आए थे कि प्लीज़ फेक न्यूज़ पे मत विश्वास करिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम बहुत ही जल्द जो है अपने आगे का मिल के, और बजरंग ने भी बोला है वहाँ पंचायत में कि अलग अलग रैलियों से जो है थोड़ा एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उन सबको एक साथ भी हम लेके आएंगे ताकि जो अपनी पूरी एनर्जी इस आंदोलन को जिताने की वो हम एक साथ लगा सकें, सबको एक साथ ला सकें, क्योंकि ये बेटियों का मामला है और बेटियां सभी की होती हैं। तो इसीलिए आज पूरे देश को एकजुट होने की ज़रूरत है। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपसे जुड़े रहेंगे, जुड़ते रहेंगे लगातार। कुछ भी ऐसा गलत होता दिखेगा हम आपसे रूबरू होंगे, साथ ही आने वाली जो भी हमारा कदम रहेगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, उस टाइम भी आपके समर्थन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। और ये कहना चाहूँगी कि मुझे पता है आज जो न्यूज़ चली है, जैसे आम पब्लिक है या गांव में जो हमारे समर्थक हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सब तो सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, सब टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो उनको ये, उनके पास ये नेगेटिव खबर ही पहुँच पाती है क्योंकि सोशल मीडिया सबके पास नहीं है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग इसे शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ कि हमारे जो पहलवान हैं वो वापस नहीं हटे हैं, वो इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। तो आप इस वीडियो को अगर अपने दोस्तों में या सबके साथ साझा करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे किसी समर्थक को जो है वो गलत न्यूज़ मिले। हम आपके बहुत आभारी हैं, बहुत आप लोग समर्थक देते हो, जितने दिन भी हम धरने पे बैठे जंतर मंतर पे, रोज़ बहुत समर्थन मिला हमें, किसान संगठन से, महिला संगठन से, स्टूडेंट सब जितने भी हैं सब डेली हमारे समर्थन में आते थे, बैठते थे पूरा दिन गर्मी में। और ऐसा समर्थन अगर हमें दोबारा चाहेगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप दोबारा भी आओगे। तो बस लास्ट में यही बात है कि हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, लोगों तक पहुँचाएँ, हमारे बड़े बुजुर्गों तक पहुँचाएँ कि हम हमारे पहलवान जो है लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। धन्यवाद सभी।